प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे थे। वे यहां सबसे पहले पुणे के देहू गांव पहुंचे और संत तुकाराम की मूर्ति और मंदिर का उद्घाटन किया। पीएम ने यहां संबोधन भी दिया, मगर इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का भाषण तय प्रोग्राम की सूची में नहीं था। इसी मसले पर एनसीपी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस घटना के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार पर प्रहार किया जा रहा है। इस घटना के निषेध के लिए मंगलवार को नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस नागपुर की ओर से शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से महाराष्ट्र को दबाने की कोशिश की जा रही है। त्या पंतप्रधानाच्या त्या सभेमध्ये माननीय अजित दादा पवार आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित दादा पवार यांना तिथे बोलू सुद्धा दिलं नाही। जे केंद्र शासनाची ही जी पद्धत आहे, आता बऱ्याच काळापासून आपण सगळे पाहत आहे, त्यामध्ये आपल्या महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्याचा अपमान करण्याचं जे काम नरेंद्र मोदीने केलेलं आहे, त्या निमित्ताने आम्ही सगळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सगळे पदाधिकारी प्रदेश महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्याचा अपमान केला, तो अपमान आता याच्या पुढे सहन करणार नाही, त्याच्यासाठी आम्ही इथे सगळे जमलेलो आहे। एनबीसी न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।